न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर विधायक चिरंजीव राव ने सरकार को पूरी तरह फेलियर बताया और सरकार को 10 में से माइनस पॉइंट दिए। चिरंजीव राव आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दक्षिण हरियाणा को सिर्फ लूटने और झुंझुना देने का काम किया है। यही वजह है कि क्षेत्र की समस्याओं और सरकार द्वारा चुनाव के दौरान जनता से किए वादों को याद दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखेंगे। ये पत्र कल जारी किया जाएगा और इसकी एक एक प्रति उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री को भी भेजी जाएगी। वहीं टास्क फोर्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि सरकार में मंत्रियों का कोई आपसी तालमेल नहीं रह गया है। वहीं नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें सबसे कमजोर प्रतिनिधि बताया और कहा कि इलाके के प्रतिनिधि कभी सदन में क्षेत्र की आवाज ही नहीं उठाते। चिरंजीव राव ने कहा कि अब सरकार केंद्रीय मंत्री के पर कतरने का काम कर रही है और ऐसे लोगों के पर कतरने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा तो इनके दो मंत्री और विधायक नेता मेरे ही खिलाफ वार करना शुरू कर देंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आप देखिए जो सड़कों की हालत है वो आप सबके सामने है। परसों खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने एक बात कही कि भाई हम जो गंदे पानी का जो मामला है धारवेड़ा का, उसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अब मैं राव इंद्रजीत जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हीं के मंत्री जो कवलपार गुज्जर हैं, 18 मार्च को उनसे मैंने एक सवाल किया था भाई ये गंदे पानी का मसला जो है कब तक सुलझ जाएगा। उन्होंने सदन के पटल के ऊपर मुझे ये आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर ये वो जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। 3 महीने पूरे हो चुके हैं पर राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। मुझे लगता है उनके अपने मंत्रियों से चर्चा कर लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की बातों में ही विरोधाभास है। इसके अलावा मैंने जो उनको पत्र लिखने जा रहा हूँ उसके अंदर जो आप देख रहे हैं सड़कों की जो हालत है, पुलिस लाइन के पीछे जो ओवरब्रिज है उसकी हालत हम सब लोगों के सामने है। मेरे पास भी आए दिन उसकी समस्या आती रहती है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 600 दिन बाद जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो कैटल फ्री करने की बात हो, गंदे पानी की हो, सड़कों की खस्ता हालत हो, नहरों में हमारे जो पानी नहीं आ रहा है, रेवाड़ी के अंदर वाटर सप्लाई की जो दिक्कत है, आप देखिए हमारे शहर की जितनी बहुत सारी इमारत हैं जो खंडर होती जा रही हैं, इन सभी मुद्दों को मैंने पहले भी उठाया था। और उसके अलावा एक और मुद्दा है, आप जानते हैं सदन के पटल के ऊपर खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि रेवाड़ी के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल चुका है, पर आप जानते हैं उसका अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। 2 साल होने में अभी कुछ समय बचा है। इनके जो वादे थे उनको याद दिलाने का काम भी मेरा खुला पत्र करेगा। उस खुला पत्र को मैं आप लोगों के बीच में भी कल जारी करूंगा कि ये मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है उनको भी लिखेंगे और अनिल विज जो मंत्री है उनको भी, हम लोग तीनों को हम ये पत्र लिखेंगे। अनिल विज जी का मैंने बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जो टास्क फोर्स बनाई गई राजीव अरोड़ा जी के द्वारा, उसके अंदर मंत्री को उन लोगों ने लूप में नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इनका आपसी तालमेल नहीं है। कभी आप देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होती है तो 2 मंत्री वहाँ पर नहीं जाते, वो तो कहीं ना कहीं ये पर काटने का काम एक केंद्रीय मंत्री का ये सरकार कर रही है। ऐसे लोगों के पर काटने भी चाहिए क्योंकि ये लोग जनता के बीच में नहीं रहते, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों में हम लोगों ने देखा कि ना तो वो लोगों के बीच में आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो उन लोगों ने ज़रूर लोगों की सुध ली पर उससे कितना फ़ायदा लोगों को हुआ है ये आप सब जानते हैं। अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो इनके 2 मंत्री, कई सारे विधायक नेता, कुछ ऐसे नेता जिनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ये सब मेरे खिलाफ वार करेंगे। सरकार को मैं तो माइनस में नंबर दूंगा जी। देखिए मैं आपके, आप सोचेंगे कि भाई विपक्ष के लोग हैं ऐसी ही बात करेंगे, हमारा जब सरकार 10 साल कांग्रेस की रही तो यूनिवर्सिटी आपकी बनी, ट्रॉमा सेंटर बना, सिविल हॉस्पिटल बना, खरकड़ा के अंदर कॉलेज बना, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर में बना, आप देखिए जितने स्कूल अपग्रेड हमारे समय के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी भी गांव में चले जाइए आपको कच्ची गलियां नहीं मिलेंगी, शहर के अंदर जो
ब्रिज बने वो सारे हमारे समय के अंदर बने, नहरों का जाल जो बिछा हुआ हमारे समय बिना, तो सारे जो विकास कार्य है वो कांग्रेस के समय में हुए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक विकास कार्य बता दीजिए इन्होंने किया, एक मेडिकल कॉलेज जो हमारा माजरा सुराज गांव के अंदर बनना था, जिसकी ज़मीन देने के लिए गांव के लोग तैयार हो गए थे, माजरा सुराज के लोग भी यहाँ पर आए हुए, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये कह दिया था हम तैयार हैं वहाँ बनाने के लिए, पर जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसको भी स्क्रैप कर दिया। इन्होंने सिर्फ दक्षिण हरियाणा के लोगों को झुंझुना देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 1162 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसके अंदर रेवाड़ी ज़िले का नाम नहीं था, गुड़गांव ज़िले का नाम नहीं था, मेवात ज़िले को कुछ नहीं दिया गया, महेंद्रगढ़ ज़िले को कुछ नहीं दिया गया, तो मैं इनको क्या नंबर दूँ? हमें तो जब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, हमसे तो बस ये लूट खसूट करे जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 7 सालों से जो सत्ता को संभाल रहे हैं वो ना तो हम लोगों की आवाज़ वहाँ पर उठाते हैं, और विपक्ष होने के नाते हमारी जो आवाज़ है ये दबाने का ये लोग काम करते हैं।